हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है कुछ एनर्जी थ्योरी दी हुई है डिजाइन की और उनके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं एल एम एन, ठीक है। इनको स्टेबली मैच करना है, ठीक। बायएक्सियल स्ट्रेस कंडीशन दी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी, ठीक है। मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस में सिग्मा वन शुड बी लेस देन इक्वल टू एस वाई टी, या इसमें जो कि मैंने सिग्मा वाई के होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज मान लीजिए सिग्मा वन, सो ये वाला इक्वेशन आपका हो गया ये, ठीक है। या सिग्मा टू भी लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई, ठीक। दिस इज सिग्मा वन एंड दिस इज सिग्मा टू, ठीक है। सिग्मा टू दिस, ठीक है। दिस इज सिग्मा वाई और दिस इज ऑल्सो सिग्मा वाई, ठीक है। ये टेंसाइल के लिए हुआ है, मान लीजिए कंप्रेसिव नेचर के हैं तो भी क्या होगा, दिस इज इक्वल टू माइनस, सो माइनस दिस एंड माइनस दिस, ठीक है। तो यहां आपका ये हो जाएगा कंप्रेसिव नेचर के लिए, ठीक। तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस क्राइटेरियन, मतलब कोई भी पॉइंट इसके बाहर होगा तो वो अनसेफ होगा, ठीक है, फेल कर जाएगी जो भी डिजाइन होगी, ठीक है। तो इसके लिए ये विद इन दिस बाउंड्री आपका सेफ जोन है, ठीक है। तो ये कहलाती है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस क्राइटेरियन। तो फर्स्ट पी का क्या हो जाएगा, एम, ठीक है, पी का एम हो जाएगा। इसके ऑप्शन लिख लेते हैं, ऑप्शन में यही लिख देता हूं, ए बी सी एंड डी। ए ऑप्शन में दिया है पी का एम एंड क्यू का एल आर का एन। बी ऑप्शन पी एन क्यू एम एंड आर एल, ठीक है। नेक्स्ट पी का एम क्यू एन एंड आर एल, नेक्स्ट क्यू एन सॉरी दिस पी पी एन क्यू एन एम क्यू एल सॉरी एन आर इज एम, ठीक। तो पहला हमको पता चल गया पी का एम, हम यहां लिखते जा रहे हैं पी का एम, ठीक है। सो दिस कैंसिल आउट एंड दिस इज ऑल्सो गॉन, ठीक है। अब क्यू में देखते हैं, क्यू क्या है, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी क्राइटेरियन, ठीक है। मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी का आपने देखा होगा क्या होता है, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस सिग्मा टू माइनस सिग्मा थ्री का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा थ्री माइनस सिग्मा वन का होल स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, एस वाई टी का स्क्वायर, ठीक है। ठीक, तो इसमें आप देखिएगा इसको बाई एक्सएल है तो सिग्मा थ्री जीरो हो जाएगा, तो सिग्मा वन का स्क्वायर प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा टू का स्क्वायर प्लस सिग्मा टू का स्क्वायर, यहां से बचेगा प्लस सिग्मा वन का स्क्वायर, ठीक। इसको भी कैलकुलेट करेंगे क्या जाएगा, सिग्मा वन का स्क्वायर प्लस सिग्मा टू का स्क्वायर प्लस टू माइनस टू सिग्मा वन सिग्मा टू, और ये भी एक एक जुड़ जाएगा टू टू, ठीक है। ये वाई टू रहेगा तो यहां आपका आ जाएगा डिवाइड सॉरी ये हो जाएगा एस वाई टी स्क्वायर वाई टू, ठीक है, अगर इससे कॉमन ले लेंगे तो इस तरीके से आपका ये
एक इक्वेशन आ रहा है, सो दिस इक्वेशन विल बी इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक, तो ये आपका क्राइटेरियन बनेगा इस तरीके से एलिप्टिकल। ठीक, ये आपको दिया हुआ है एलिप्टिकल, तो आपका ये हो जाएगा जस्ट। ठीक है, इसका डिटेल हम बाद में जब लेक्चर लेंगे तब करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी। ठीक, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी क्या हो जाएगा, एन क्यू का एन, क्यू का एन। अब बचा आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्राइटेरियन। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आप जानते हैं क्या होता है, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू और सिग्मा टू माइनस सिग्मा थ्री और सिग्मा थ्री माइनस सिग्मा वन बाई टू बाई टू बाई टू शुड बी लेस देन इक्वल टू एस वाई टी बाई टू। ठीक है, बाई एक्सियल है तो क्या बचेगा, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू और सिग्मा टू डिवाइड बाई टू और सिग्मा वन डिवाइड बाई टू। ठीक है, ये हो जाएगा टाओ मैक्स, इनमें से कोई होगा एस वाई टी। ठीक है, तो इनको ड्रॉ करते हैं, इसका क्या आएगा क्राइटेरियन, इस केस में आया देखिए, ठीक है, एक आ जाएगा सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू इज इक्वल टू एस वाई टी। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं सिग्मा वन माइनस सिग्मा वाई टू इज इक्वल टू टू टाइम सॉरी टू टाइम ऑफ एस वाई टी। ठीक है, बाई टू रहेगा ये भी। ठीक है, तो ये हो जाएगा सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू एस वाई टी, एक ही इक्वेशन हो गई। आइदर सिग्मा वन बाई टू सिग्मा वन इज इक्वल टू एस वाई टी और सिग्मा टू इज इक्वल टू एस वाई टी, इन कंडीशन को प्लॉट कर लेते हैं। इन कंडीशन को प्लॉट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा बाई टू ये आ जाएगा और सिग्मा टू इज इक्वल टू एस वाई टी ये आ जाएगा। सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू की लाइन ये होगी, एक ये होगी, एक प्लस का आएगा एक माइनस का आएगा। ठीक है, दिस इज सिग्मा वाई, दिस इज माइनस सिग्मा वाई, दिस इज माइनस सिग्मा वाई, दिस इज सिग्मा वाई, दिस सिग्मा वन एंड सिग्मा टू। ये आपका हो जाएगा, देखिए जहां इज इक्वल टू सिग्मा वन इज इक्वल टू एस वाई टी ये है ना, सिग्मा वन इज इक्वल टू एस वाई टी, सिग्मा टू इज इक्वल टू एस वाई टी ये हो गया। ठीक है, सिमिलरली कंप्रेसिव है नेचर में तो सिग्मा वन इज इक्वल टू माइनस एस वाई टी ये हो गया और सिग्मा टू इज इक्वल टू माइनस एस वाई टी ये हो गया। और ये जब पॉजिटिव है तो ये हो गया, जब नेगेटिव है तो ये वाली लाइन आ जाएगी। तो इस तरीके से एक हेक्सागोनल बनेगा, हेक्सागोनल ये है आपका, तो ये हो जाएगा आर, तो आर का हो जाएगा एल। तो देख लीजिए क्यू का एन, क्यू का एन, आर का एल, सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स पर लिखें। थैंक यू वेरी मच।